नमस्कार दोस्तों, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खूबसूरत खरगोश। जैसा कि आप हमारे रैबिट फार्म में देख सकते हैं, बहुत सारे खूबसूरत खरगोश एक साथ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कई सारी वैरायटी के खरगोश बारी बारी से आकर पानी पी रहे हैं। तकरीबन सुबह का 9:30 बजे का वक्त हो गया है। सारे खरगोश प्यासे हैं। जितने भी खरगोशों को ज़मीन में छोड़ा गया है, इसमें तमाम सारी वैरायटी के खरगोश हैं। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें, फ्लेमिश जॉइंट, ग्रे जॉइंट, न्यूजीलैंड वाइट, सोवियत चिलचिला, डच वाइट जॉइंट और ग्रे जॉइंट, इस तरीके के सारे वैरायटी के खरगोश आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव आप लोग देख रहे हैं। एक एक आकर पानी पी रहा है, फिर चला जा रहा है, दूसरा खरगोश आता है पानी पी रहा है। इस तरीके से यहाँ पर खरगोश आते हैं, जाते हैं, पानी पी पी कर निकल जाते हैं, जो कि उन लोगों के लिए पानी रखा हुआ है। इन सारे खरगोशों को आसानी से ज़मीन पर खड़े होकर पानी मिल जा रहा है, जिसके कारण ये पानी में अंदर नहीं घुस रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, ये सारे खरगोश हमारे 3.5 से 4.5 महीने के बीच के हैं। तकरीबन 2 से लेकर 1.5 किलो के बीच का सबका बॉडी वेट है। यहाँ पर जितने भी खरगोश हैं, इनमें हम कुछ आप लोगों को बता देते हैं। जो बिल्कुल देखिए काले खरगोश दिख रहे हैं, ये ब्लैक जॉइंट खरगोश है। जो गोल्डन कलर के खरगोश दिख रहे हैं, ये ग्रे जॉइंट है। जो ग्रे कलर का गेहूं कलर का खरगोश, देसी कलर का खरगोश दिख रहा है, ये ग्रे जॉइंट खरगोश है। और जो आसमानी कलर के खरगोश आप लोगों को दिख रहे हैं, वो सोवियत चिलचिला खरगोश है। और काला और सफ़ेद जो खरगोश आप लोगों को दिख रहा है, वो हमारा डच खरगोश है। और यहाँ पर देखिए वाइट खरगोश, जिसकी ब्लैक आँखें हैं, वो हमारा वाइट जॉइंट खरगोश है। जिस तरीके से आप लोग देखेंगे कि समस्त वैरायटियों के खरगोश हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं। बारी बारी से खरगोश आकर पानी पी रहे हैं और सारे खरगोश बिल्कुल साफ पानी, जिसमें बिल्कुल कोई भी इम्प्योरिटी नहीं दिख रही है। और यहाँ पर सारे खरगोश बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल पानी पी रहे हैं। और हम आप लोगों को बता दें, अभी ये सुबह का वक्त है, सारे खरगोशों में थोड़ा थोड़ा फीड रख दिया गया है। हम सुबह उठकर पहले थोड़ा फीड रख देते हैं ताकि खरगोश खा ले, और 1 घंटे तक का उसको वक्त दे देते हैं। 1 घंटे का वक्त देने के बाद खरगोश, देखिए ज़रा सी आवाज़ हुई और खरगोश बिल्कुल डर गए और एकदम से पानी छोड़कर चौकन्नी होकर बैठ गए। ये एक स्वस्थ खरगोश की पहचान है। वहीं एक बीमार खरगोश होता, वो बिल्कुल वैसे ही बैठा रहता, बिल्कुल कोई चैतन्यता नहीं आती। और हम आपको बता रहे थे, फीड रखने के 1 घंटे के बाद हम उनको रेस्ट दे देते हैं और तब पानी पिलाते हैं, तब खरगोश भरपेट पानी पी लेता है। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सारे खरगोश डरे हुए हैं। बाहर से ज़रा सी आवाज़ आ गई और देखिए यहाँ से कई सारे खरगोश भाग गए हैं। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि खरगोश खाना ज़मीन में है तो कैसे खाता है, किस तरीके का आपको फीड बॉक्स बनाना है यदि आपके खरगोश खुले में रहते हैं। देखिए यहाँ पर पिपिया है, एक रखी हुई है तेल की पिपिया है, जिसको ऊपर से काट दिया गया है। और अब इतनी ऊपर से काटा गया है कि तकरीबन 3 से 2.5 किलो के बीच इसमें के अंदर फीड भी आ जाए, खरगोश अंदर भी ना घुसे और आसानी के साथ फीड पा जाए। ये पिपिया इस तरीके की, 3 पिपिया 2 पिपिया नीचे लगा दी गई है फीड बॉक्स बना के। अब इनके अंदर फीड भर दिया गया है। बारी बारी से एक एक खरगोश आता है, फीड खाता है और चला जाता है। यहाँ पर जो खरगोश देखिए इस समय फीड खा रहा है, ये हमारा ग्रे जॉइंट खरगोश है, सॉरी फ्लेमिश जॉइंट खरगोश है। ग्रे जॉइंट खरगोश बिल्कुल ग्रे गोल्डन कलर का होता है। अब देखिए ये जो खरगोश आया है हमारा, ये वाइट जॉइंट और सोवियत चिलचिला खरगोश की क्रॉस ब्रीड है इस। और ये देखिए जो अब खाना खा रहा है अंदर, ये हमारा सोवियत चिलचिला खरगोश है आसमानी कलर का। तो अब ये देखिए जो खरगोश आया है, ये ब्लैक जॉइंट खरगोश है, पूरा काला है। तो इस तरीके से बारी बारी से एक एक खरगोश आता है, 1 या 2 मुँह अपना फीड खा लेता है, फिर भाग जाता है। यही सिलसिला सारे दिन चलता रहता है कि जब तक फीड होता रहता है इसके अंदर। तो दोस्तों, आप हमारा बना बनाया फीड, बिल्कुल सूखा फीड देख सकते हैं। हमने ये बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने तकरीबन 4 क्विंटल फीड बना के आप लोगों को लाइव दिखाया। अब हमारी कोशिश है कुछ खूबसूरत खरगोश आप लोगों
लोग को दिखाने की हम कोशिश करेंगे, किसी मादा के पास बच्चे दिखाए जाए। जी हाँ, ये देखिए एक बहुत बेहतरीन न्यूजीलैंड वाइट फीमेल्स है। न्यूजीलैंड वाइट फीमेल्स खरगोश की पहचान, पूरा खरगोश सफ़ेद और लाल आँखें, इसके जो बच्चे हैं बिल्कुल 7 बच्चे हैं उसी के माँ के कलर के हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं फिर से, अब हम आप लोगों को दिखाएंगे वाइट जाइंट खरगोश, जो कि अलग एक केज में सारे नीचे से उठा कर रख दिए गए हैं। ये सारे पेरेंट्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं, कुछ बच्चे भी इसमें हैं बीच बीच में। ये जो मेल खरगोश दिख रहा है मेटिंग के लिए एकदम तैयार है और वो सोच रहा है कि हमारे शायद सुबह का वक्त है, मैचिंग के लिए हम किसी फीमेल को लाएं, लेकिन ऐसा है नहीं, हम अभी वीडियो बना रहे हैं। देखिए सारे खरगोश, फिर हम लोग पानी के पास आ गए, कितनी अच्छी तरीके से साफ पानी पी रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर खरगोश हमारे अभी अच्छी तरीके से बिल्कुल पानी पी रहे हैं। एक एक खरगोश आता है, बारी बारी से पानी पीता है, चला जाता है। ये सिलसिला यहाँ पर सारे दिन चलेगा। अब हमारी कोशिश रहेगी आगे चलकर आप लोगों को कुछ खूबसूरत न्यूजीलैंड वाइट खरगोश दिखाए जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ खरगोश खा पी के बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारी कोशिश है, अब हम किनारे साइड में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए सारे न्यूजीलैंड वाइट खरगोश एक केज में, एक खरगोश को करके रख दिया गया है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, यदि आप अपने खरगोश की ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो एक केज के अंदर एक ही खरगोश रखें, वो बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। जब खरगोश खाना पीना खा के निश्चिंत होकर लेटता है, उसको ये टेंशन नहीं रहती कि कोई और खरगोश आकर उसको डिस्टर्ब करेगा, तो उसकी बॉडी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सारे हमारे केजेस में एक बाई एक केज में एक ही खरगोश रखा हुआ है। पूरा कितना खूबसूरत आलीशान रैबिट फार्म हमारा लग रहा है। आप लोग देखिए कुछ खरगोश मेटिंग के लिए रखे गए थे जो कि अब यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं, वो देखिए कुछ मेल खरगोश बिल्कुल परेशान है सुबह सुबह मेटिंग के लिए। और हमारे रैबिट फार्म में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज का टॉपिक पर इतना ही, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक